हे एवरीवन, आज का वीडियो है कि आप थंबनेल कैसे बना सकते हैं। प्रोफेशनल थंबनेल, थंबनेल होता है एक प्रोफेशनल थंबनेल होता है। थंबनेल तो कुछ भी बना देते हैं लोग, कुछ भी उसका आता पता नहीं होता है, कुछ भी बना के डाल देते हैं और सोचते हैं हमारी वीडियो पे व्यूज क्यों नहीं आ रहे। तो व्यूज नहीं आएंगे भाई जब तक आप उस थंबनेल को एक प्रोफेशनल थंबनेल में कन्वर्ट नहीं करोगे। अगर आज के टाइम पे अगर आपको कॉम्पिटिशन करना है तो आपको बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट क्वालिटी वाला थंबनेल देना पड़ेगा, तभी आपकी वीडियो पे व्यूज आएंगे। अगर हम सोचेंगे कि 2014 वाले थंबनेल हम चिपका देंगे आज के टाइम पे तो हमारी वीडियो पे व्यूज नहीं आएंगे। तो हमें यहाँ पे टक्कर देनी है बड़े बड़े यूट्यूबर्स को, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें थंबनेल भी बनाने पड़ेंगे। सीधी सिंपल बात है। तो मेरी वीडियो पे जो व्यूज आते हैं उनका जो मेन रीजन होता है वो होता है थंबनेल। 70% मान के चलिए 70% जो व्यूज आपके पास आते हैं वो थंबनेल की वजह से आते हैं, और 30% जो आते हैं वो आपके जो वीडियो को कितना लोग वॉच कर रहे हैं, कितना उसका एवीडी है यानी एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितना है, उस पर डिपेंड करते हैं। तो मान लीजिए अगर आपका थंबनेल बेकार होगा और आपकी वीडियो बेस्ट है तो कोई भी उस वीडियो को वॉच नहीं करेगा। जितनी भी मेहनत करके आपने वीडियो को बनाया हो वो वीडियो आपकी बेकार है। जब तक आपका जो पोस्टर है, जो बैनर है, जो मतलब बैनर तो एक चैनल का होता है लेकिन एक आपका जो वीडियो का जो बैनर है, जो थंबनेल है, अगर वो अट्रैक्टिव नहीं है तो आपकी वीडियो पे बिल्कुल भी व्यूज नहीं आएंगे। बस वेट करते रहिए कि हमारी वीडियो कैसे वायरल होगी, कैसे वायरल होगी। नहीं होगी, लाइफ टाइम नहीं होगी। तो आपको एक बेस्ट थंबनेल बनाना पड़ेगा। जितना हो सकेगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। मैं ये नहीं बोलती कि मैं बेस्ट बनाती हूँ, नहीं, अभी भी मैं सीख रही हूँ, लेकिन जितना मैंने सीखा है उसको मैं आप तक डिलीवर करने की कोशिश कर सकती हूँ क्योंकि आप लोग डिमांड कर रहे थे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि मैं थंबनेल बनाती कैसे हूँ। मैं फ़ोन से थंबनेल बनाती हूँ। आप लोग सोचते हैं पता नहीं मैं क्या यूज़ करती हूँ, नहीं, मैं फ़ोन की हेल्प से थंबनेल बनाती हूँ। और 90% जो यूट्यूबर्स हैं नए जो है मेरे जैसे, जब नए यूट्यूबर आप लोग आए हुए हो तो सभी के पास हमारे पास फ़ोन होता है, तो मैं फ़ोन से ही बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास अलग जो होते हैं कोई बड़े, हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, हमारे पास पीसी वगैरह नहीं होता है अवेलेबल, तो हमें फ़ोन से ही अपना काम करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास एक फ़ोन है और फ़ोन की हेल्प से आप अच्छा खासा थंबनेल बना सकते हैं बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं थंबनेल बनाने के लिए कौन सी एप्लीकेशन का यूज़ करती हूँ, और मैक्सिमम आप लोग भी उसी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं लेकिन बस आप उसके फीचर्स को समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जो यूज़ करती हूँ उसका नाम है पिक्सल लैब। जाके आप प्ले स्टोर पे जाके लिखिएगा पिक्सल लैब और ये आपके सामने आ जाएगी। उसको सिंपली यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के लिए आपके डाउनलोड करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा इस तरीके का, आपका जो ब्लू कलर का आइकन होगा, ये वाली ओरिजिनल पिक्सल लैब की एप्लीकेशन है। फेक भी बहुत सारी मिलती है वहाँ पर लेकिन आपको यही वाली डाउनलोड करनी है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो आपका बीच में न्यू टेक्स्ट है इसको कर देंगे हम यहाँ से डिलीट, ओके। जितना मेरा एक्सपीरियंस है भाई उस एक्सपीरियंस के तहत मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगी। आप चाहे तो इस तरीके से स्क्रीन को करके भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप चाहे तो इस तरीके से भी करके रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं आपको इस तरीके से सिखाना चाहूँगी ताकि आपको प्रॉपर चीज़ें समझ में आ सके। तो देखो मैंने इस तरीके से इसको रोटेट कर लिया है। अब आपको सबसे पहले थंबनेल का साइज सिलेक्ट करना पड़ेगा। कुछ लोगों का थंबनेल मैं देखती हूँ उनका साइज ही परफेक्ट नहीं होता है। अगर आपका साइज परफेक्ट नहीं है तो थंबनेल आपका एडजस्ट नहीं होगा अच्छी तरीके से और वो लगेगा नहीं। सबसे पहले यहाँ पे थ्री डॉट पे जाना, आपको साइड में राइट साइड में उस पर क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे आपको इमेज साइज का ऑप्शन मिलता है 5 नंबर पे, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है यूट्यूब थंबनेल, इस पर आपको क्लिक करके इसको ओके कर देना है। इसकी जो होती है ना विड्थ 1280 होती है और की हाइट होती है 720, इस पर आपको क्लिक करके ओके। ये देखिए अपना जो साइज है वो इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद हमें सबसे पहले एक बैकग्राउंड कलर की ज़रूरत होती है। आप कोई भी बैकग्राउंड कलर को यूज़ कर सकते हैं लेकिन जो मैं यूज़ करती हूँ वो ब्लैक कलर को यूज़ करती हूँ हमेशा। तो यहाँ पे जाएंगे हम फोर्थ पे बॉक्स पे, इस पर कलर पे जाएंगे और यहाँ पे अपना जो ब्लैक कलर है उसको चूज़ कर लेंगे। जैसे मैं ब्लैक कलर लेती हूँ, आपका मर्जी है भाई, आप कोई भी बैकग्राउंड कलर चूज़ कर सकते हैं। ये मेरी चॉइस है क्योंकि मैं ब्लैक एंड रेड का थीम रखती हूँ, ब्लैक एंड ब्लू का थीम रखती हूँ। मैं अपना थीम के अकॉर्डिंग अपना काम करती हूँ, आपको भी आपके थीम के अकॉर्डिंग अपना काम करना है, ओके। जो कलर आपको पसंद हो वो कलर आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का जो बैकग्राउंड है वो ले लिया। उसके बाद सबसे पहले हमें अपनी एक इमेज चाहिएगी। इमेज आपको जाना है प्लस वाले आइकन पे, फ्रॉम गैलरी पे, और यहाँ पे जहाँ भी आपकी इमेज रखी हो उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैं अपनी इमेज को यहाँ पे ले लेती हूँ, हम ढूंढ लेते हैं अपनी इमेज। चलिए मैंने यहाँ पे अपनी इमेज को रखा हुआ है, ये मैं अपनी इमेज को यहाँ पे ले रही हूँ इस तरीके से। मेरी इमेज यहाँ पे आगे इसको थोड़ा सा हम कर लेंगे यहाँ से क्रॉप, ओके। आप जो भी इमेज आपको पसंद हो वो अपनी इमेज ले सकते हैं लेकिन कोशिश कीजिएगा ज़्यादा फिल्टर वाली इमेज आपको यूज़ नहीं करनी है। जैसी आपकी पिक्चर है उसको यहाँ पे ले लीजिए। देखिए अभी मेरी जो पिक्चर है इस पर कोई फिल्टर अप्लाई नहीं किया गया है, नॉर्मल मैंने एक कैमरे से खींची हुई फोटो है मेरी। लेकिन जब हम इसमें कलर ग्रेडिंग करेंगे तो यही पिक्चर देखना कितनी एडवांस लेवल की हो जाएगी।
तो ज़्यादा अपने आप को चुड़ैल बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, चुड़ैल या भूत। अगर लड़की हो चुड़ैल मत बनाना खुद को, लड़के हो तो भूत मत बनाना खुद को। ज़्यादा फिल्टर अगर आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, आपकी नेचुरल शक्ल है, नेचुरल उसको रहने दीजिए। अब देखिए, मान लीजिए मेरी ये फेस है, इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे, जो मेरी इमेज इसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया कुछ इस तरीके से, ओके। अब हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले इस इमेज को यहाँ पे कर देंगे हम लॉक, ओके। ये मेरी इमेज यहाँ पे आ चुकी है। अभी आपको लग रहा होगा कि देखो ब्लैक ही कपड़े पहने हुए, मैंने ब्लैक ही पीछे का बैकग्राउंड है तो अजीब लग रहा है। डोंट वरी, हम इसको नेक्स्ट लेवल पहुँचाएंगे धीरे धीरे, बस आप देखते जाइए। अब आपको प्लस वाले आइकन पे जाना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है और यहाँ से अपने एक PNG को सिलेक्ट कर लेना। जैसे ये PNG में स्टार वाले जो PNG इसको यूज़ करती हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैंने इस PNG को यहाँ पे ले लिया कुछ इस तरीके से, ओके। इसको हम कर देंगे यहाँ पे टिक। आपको जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, जितनी भी PNGs मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, वो सभी के सभी PNGs मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो भी मैं चीज़ें यहाँ पे यूज़ करूँगी सभी के सभी वहाँ पे ट्रांसफर कर दूँगी, वहाँ पे अपलोड कर दूँगी, तो इजी आप वहाँ से जाके ले लेना, यूज़ कर लेना, ओके। और जो टेम्पलेट मैं बनाऊँगी ना आज यहाँ पे, वो भी मैं आपको दे दूँगी। तो देखिए, सबसे पहले जो हमने स्टार वाली PNG लिया, थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और इसको मैं अपने फेस के ऊपर रखूँगी। इसको कर देंगे हम यहाँ से टू बैक। टू बैक पे करते ही देखिए यहाँ पे पीछे चला गया है मेरे इमेज की। तो ये हो गया अपना ब्लू कलर का PNG है, लेकिन हम इसको करेंगे यहाँ पे रेड। इस पर कलर पे जाएंगे और कलर को कर देंगे यहाँ से ओके, और देखो ये हो गया रेड कलर का PNG हमारे पास। आपको भी आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर को चूज करना है। मुझे रेड कलर पसंद है, रेड कलर की थीम रखती हूँ। आप ब्लू कलर, येलो कलर, जो भी आपको पसंद है वो वाला कलर की थीम यहाँ पे रख सकते हो। ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर दिया कुछ यहाँ पे मेरी पिक्चर के पीछे। इसको कर देते हैं हम यहाँ से ओके। जो PNG है इसको भी यहाँ पे लॉक कर देंगे और इस PNG का डुप्लीकेट कर लेंगे एक बार, हम कॉपी कर लेंगे और जो इस PNG को यहाँ पे इधर साइड में रख देंगे ऊपर। फिर से हम क्या करेंगे, इसकी एक और कॉपी कर लेंगे, इसको उठा के इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। ये अपना हो गया बैकग्राउंड रेडी, ये अपना बैकग्राउंड रेडी हो चुका है। आप जितनी भी कॉपी करके जहाँ जहाँ इसको लगाना चाहो आप लगा सकते हो, नॉर्मल है ये। अब देखिए, अब आपको नेक्स्ट क्या चाहिएगा, ओके। अब आपको शेप चाहिएगा, यहाँ पे शेप पे क्लिक करना है आपको। उस शेप को थोड़ा सा हम कर देंगे आपसे राउंड। अगर आपको पिक्सेल ऐप यूज़ करना आता होगा तो ये आपके लिए इजी होगा। अगर आपको यहाँ पिक्सेल ऐप यूज़ करना नहीं आता होगा तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा धीरे धीरे। ये देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक शेप को यहाँ पे ले लिया है, ये शेप मैंने इस तरीके से यहाँ पे रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस शेप का कलर करेंगे चेंज। मैं हमेशा ब्लैक थीम पे येलो और रेड कलर को यूज़ करती हूँ, ओके। तो हम यहाँ पे इसका जो कलर है शेप का, इसका कर देंगे हम यहाँ पे येलो कलर कर देंगे इसका, मस्टर्ड येलो, ओके। एक होता है लाइट येलो, एक होता है मस्टर्ड, लाइट येलो है और ये है हमारा मस्टर्ड येलो। मैं हमेशा मस्टर्ड येलो का कलर को यूज़ करती हूँ। ये मैंने इस तरीके से यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे अपना एक और शेप को लेना है। इसको हम सिंपली यहाँ दोबारा से कॉपी करेंगे इसी शेप को, इसको यहाँ पे नीचे ले आएंगे और इसका जो कलर है इस वाले शेप का कर देंगे हम यहाँ से रेड। मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ आप, क्योंकि अगर आप मैं वीडियो ज़्यादा लंबी बनाती हूँ तो फिर आप बोल दो कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि फटाफट से आपको समझा सको। थोड़ा सा हम इस शेप को करेंगे यहाँ से रोटेट, इसको थोड़ा सा हम रोटेट कर देंगे इस तरीके से। आप ज़्यादा रोटेट नहीं करना, आपको हल्का सा ही रोटेट करना है और इस शेप को रख देंगे इस तरीके से यहाँ पे। अब देखिए, जो सेकंड वाले जो शेप, इसका हम कर लेंगे थोड़ा सा और यहाँ से राउंड कर लेंगे इसको थोड़ा सा और, ओके। अब देखते जाइए मैं कहाँ कहाँ जो चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, बस उसको देखते जाइए आप, क्योंकि प्रॉपर मैं पिक्सेल ऐप पे अगर ट्यूटोरियल देने लग जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर आप ही बोलते हैं कि वीडियो बहुत लंबी हो गई दीदी। तो मैंने यहाँ पे देखो इस तरीके से इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। इन दोनों शेप को भी हम कर देते हैं यहाँ पे लॉक, ओके। अब जो मेन बारी है वो हमारी फॉन्ट वगैरह हमें ऐड करनी है, तो फॉन्ट हम कैसे ऐड करेंगे। अब नंबर आता है कि हमें यहाँ पे लिखना क्या है। प्लस वाले आइकन बजाएंगे, आप दिखता है आपको टेक्स्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। टेक्स्ट पे क्लिक करके डबल टैप करेंगे इस पर और अभी आपको कुछ लिखना है। जैसे मेरा जो वीडियो है वो है कि थंबनेल कैसे बनाएं, ओके। मैं आप लिख देती हूँ मेरे जैसे थंबनेल कैसे बनाएं, ओके। सिंपल स्टिक मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बोलती हूँ स्पीकर पे मेरे जैसा, ओके। यहाँ आ गया मेरे जैसा, इसको कर देते हैं हम ओके। ये हो गया अपना ओके, इसको कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे लिख देते हैं। इसका कर देते हैं यहाँ पे फॉन्ट, फॉन्ट कर देंगे हम यहाँ से चेंज। फॉन्ट रख रही हूँ मैं यहाँ पे पॉप इन बोल्ड, ओके। पॉप इन बोल्ड, पॉप इन एक्स्ट्रा बोल्ड होता है, एक पॉप इन बोल्ड होता है। मैंने यहाँ पे सिंपल पॉप इन बोल्ड को यहाँ पे यूज़ किया। उसके बाद मेरे जैसा तो यहाँ पे हो गया है। अब हमें नेक्स्ट यहाँ पे फिर से जाना है, प्लस वाले आइकन पे टेक्स्ट पे फिर से क्लिक करना है। इसको डबल टैप करेंगे और यहाँ लिखेंगे थंबनेल। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं या आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं थंबनेल, ठीक है। ये हो गया अपना थंबनेल, ओके। इसको ओके कर दिया मैंने, इस तरह से बड़ा कर देंगे यहाँ पे रख देंगे इसको। इसका भी फॉन्ट मैं यहाँ पे चेंज करूँगी
एबी पे जाएंगे, उसका फॉन्ट कर देंगे हम यहाँ से। फॉन्ट में यूज़ करते अलग अलग फॉन्ट यूज़ करती हूँ भाई, जो मेरा मन कर जाता है वो वाला फॉन्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ। अभी मैं खंड बोल्ड फॉन्ट को यूज़ कर रही हूँ, इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे बड़ा कर लिया कुछ, ये देखिए। ओके, इस तरीके से मैंने इस फॉन्ट को यहाँ पे बड़ा किया है, और जो इसका कलर है इसका थंबनेल का, उसको कर देंगे हम यहाँ से सिंपली ब्लैक कलर। ओके, ये अपना हो गया ब्लैक। उसके बाद अब हमें लिखना है मेरे जैसा थंबनेल कैसे बनाएं। अब आप इससे हम इसको मेरे जैसे वो करेंगे क्लिक, ठीक है। सो डबल टैप करेंगे, आप लिखेंगे पहले कैसा। ओके, यहाँ पे पहले करेंगे कैसा, कैसे, ये अपना आ गया कैसे, क्योंकि मैं टाइप नहीं करती, टाइप करती तो बहुत टाइम लगता है हिंदी में, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। इसका कलर कर देंगे यहाँ पे वाइट ही रखेंगे इसका कलर, तो हम इसको थोड़ा सा हम करेंगे रोटेट। ओके, उसको यहाँ कर देंगे इस तरीके से, यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे इस तरीके से, मैंने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। इसको फिर से हम करेंगे कॉपी, और इसका करेंगे हम कैसे बनाएं, आप करेंगे हम बनाएं, बनाएं, यह आ गया अपना बनाएं। जो ये बनाएं हैं इसको हम थोड़ा सा यहाँ से कैसे बनाएं, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लेंगे, कैसे को थोड़ा छोटा कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको एडजस्ट करेंगे कुछ इन वर्ड्स को। ओके, कैसे बनाएं, आपको एक देखना है कि भाई जो आपकी शेप है पीछे वो कितनी रोटेट है। जैसे मेरी जो शेप है ये वाली रेड वाली, इसका रोटेशन देखते हैं हम कितना परसेंट है यहाँ पे, इसका 4% रोटेशन है। ओके, जो ये हमारी जो फॉन्ट है इनका रोटेशन देख लेते हैं कितना परसेंट है, क्योंकि जितना हमारा देखो 6 पे है ना, इसको हम करेंगे यहाँ पे 4 पे। सेम टू सेम आपकी रोटेशन उतनी ही होनी चाहिए जितना आपकी शेप है। अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, छन लगेगा देखने में, तो इसका भी हमें क्या करना, 4 पे ही रखना है सेम टू सेम। इसका भी हम कर देते हैं यहाँ पे 4 पे। ओके, अगर आप थोड़े से भी गड़बड़ कर दोगे ना वहीं पे आपका काम खराब हो जाएगा। ओके, ये देखो कैसे बनाइए अपना हो गया इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे इमोजी वगैरह ऐड कर सकते हैं या फिर थंबनेल ऐड कर सकते हैं। मेरा जो थंबनेल वाला भाई, तो मैं यहाँ पे 2 थंबनेल भी नीचे ऐड कर दूंगी। आपका अगर इमोजी वाला है या फिर कोई भी आपका थंबनेल हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको इमोजी वगैरह यहाँ पे ऐड करने होते हैं। तो मैं फिलहाल से जाऊँगी फ्रॉम गैलरी पे और यहाँ से अपने थंबनेल ले लेती हूँ कोई भी 2। जैसे मैंने एक थंबनेल ये ले लिया है एग्जांपल के लिए, क्योंकि मैं तो अलग थंबनेल बाद में दोबारा बनाऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको सिखा रही हूँ। तो इस तरीके से मैं एक थंबनेल मैंने यहाँ पे रख दिया है, थोड़ा सा रोटेट कर देंगे इस तरीके से इसको। ओके, इसको रोटेट कर दिया मैंने इस तरीके से यहाँ पे, ताकि ये बिल्कुल जितना रोटेशन पीछे है इसको हम दे देंगे यहाँ पे बॉर्डर वगैरह दे देंगे, इसको देंगे स्ट्रोक। ओके, इसको दे देंगे फिर हम शेडो। मैं फटाफट से कवर कर रही हूँ भाई, बाद में मत बोलना कि मैंने दीदी ज़्यादा लंबा आपने वीडियो बना दिया। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, और अब इसको क्या करेंगे, हम दूसरा जो थंबनेल है उसको लेके आएंगे, यहाँ पे रिप्लेस पे जाएंगे फिर से, और यहाँ से कोई और जो थंबनेल अपना ये वाला थंबनेल मैं यहाँ से ले लेती हूँ। ओके, कुछ इस तरीके से थंबनेल्स मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रही हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे थंबनेल को इस तरीके से एडजस्ट कर दिया। मेरे जैसा थंबनेल कैसे बनाएं, ये बहुत नॉर्मल थंबनेल लग रहा होगा आपको देखने में। अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एडवांस करेंगे, थंबनेल को हम कर देते हैं यहाँ से लॉक। ओके, अभी थंबनेल को भी मैंने सब जितने भी आपने यहाँ पे यूज़ की हुई ना सबको लॉक कर दीजिए, और जो आपने शेप यूज़ करी उनको हम कर लेंगे दोनों को अनलॉक, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी लग रही है मुझे देखने में, तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे छोटा करेंगे कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे इसको इस तरीके से एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी थंबनेल हमें नहीं रखनी है। ये हो गया अपना इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट। ओके, क्योंकि हमें अच्छे तरीके से यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, वरना ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। ओके, इसको थोड़ा सा इधर कर देंगे। ओके, अब ये हो गया सही। अब इसको भी कर देंगे हम सिंपली यहाँ से दोनों शेप को लॉक कर देंगे। अब हम यहाँ पे करेंगे यूट्यूब की PNG को लेके आएंगे उठा के, ये वाली यूट्यूब की PNG मैंने यहाँ पे ले ली है, इसको हम छोटा करेंगे इस तरीके से, और ये वाले जो PNG इसको उठा के यहाँ पे थंबनेल के ऊपर रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यूट्यूब का थंबनेल बना रहे हैं ना, मैन तो है कि यूट्यूब का थंबनेल हम बना रहे हैं, तो उसके लिए सिंपली मैंने इस थंबनेल के PNG को यहाँ पे रख लिया, मतलब थंबनेल के ऊपर इस PNG को रख लिया यहाँ पे। ये देखो अपना यहाँ पे हो गया। उसके बाद कैसे बनाएं, तो कैसे बनाएं का भी थोड़ा बहुत PNG हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगी, या थोड़ा बहुत हमें जो है स्टिकर वगैरह यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं कोई और जो है इसको भी यहाँ पे ले आती हूँ, ये मैंने यहाँ पे स्टिकर को ले लिया है, तो इसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे हम कुछ इस तरीके से। ओके, हमें अच्छे तरीके से यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा कुछ भी। ओके, तो यहाँ पे फिर हमें अपनी जो PNG इसको यहाँ पे इस तरीके से मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देती हूँ, ठीक है। इसको एडजस्ट करने के बाद अब हमें जो हमारा ऑलमोस्ट जो काम होना था वो हो चुका है। मैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लेती हूँ भाई थंबनेल बनाने में, 1 से 2 घंटा मेरा जाता ही जाता है, लेकिन मैं आपको सिखा रही हूँ, थोड़ा सा मैं आपको जल्दी सिखा रही हूँ, ताकि मैं आपको आइडिया दे सकूँ थंबनेल आपको आपकी क्रिएटिविटी से ही बनाने हैं। सिंपली देखो आपको अब क्या करना है, इसको भी हम कर देते हैं यहाँ से लॉक, और जो हमारी इमेज है, जो हमारी ये इमेज है इसको हम यहाँ से अनलॉक करेंगे, और इस पर हम दे देंगे स्ट्रोक वगैरह, फिर शेडो दे देंगे हम यहाँ पे
इस पर हम कर देते हैं यहाँ पे शेडो दे देंगे, इस पर अप्लाई कर देंगे शेडो, इस पर व्हाइट कलर की शेडो थोड़ी सी मैं अप्लाई करती हूँ हमेशा। इस तरीके से आपको अच्छे से इसको एडजस्ट करना है। उसके बाद जो आपका सारा काम हो जाए, आपकी जो फोटो वगैरह लग जाए, आपका जितना भी काम है वो हो जाए, उसके बाद आपको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है इसको। और इसको कर देंगे हम यहाँ सिंपली लॉक, इस वाले को हम यहाँ से लॉक कर देंगे। और आपका जितना भी काम है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। आपको और भी जितनी भी क्रिएटिविटी करनी हो, जो भी फॉन्ट वगैरह ऐड करने हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस तरीके से काम करना है। अब हमारा काम है सिंपल इसको सेव करने का। सेव करने के लिए हम करेंगे यहाँ पे जाएंगे इस पर, तो दिख रहा है आपको बॉक्स वाला आइकन, इस पर जाएंगे और सेव एज इमेज पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके इसको कर देंगे हम अल्ट्रा पे अल्ट्रा, और इसको यहाँ पे सेव टू गैलरी कर देंगे। सेव टू गैलरी करते ही जो अपनी इमेज है वो गैलरी में सेव हो जाएगी। रुकिए रुकिए, अभी काम है, अभी भागना नहीं है आपको, क्योंकि हम करने वाले हैं इस पर कलर ग्रेडिंग। ये अपनी ऐड आ गई है, क्योंकि ये भाई फ्री की एप्लीकेशन है तो ऐड भी दिखा देते। अगर आपको ऐड नहीं देखनी है तो इंटरनेट बंद करके सेव किया कीजिए, मैं भूल गई। अगर आप इंटरनेट को सेव करके यहाँ पे सॉरी इंटरनेट को बंद करके अगर आप सेव करोगे तो आपका ऐड है यहाँ पे नहीं आएगा। तो अभी हम ऐड को देख लेते हैं, इसको काट देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमने इमेज यहाँ पे सेव की है फ्रॉम गैलरी में दोबारा से जाएंगे, और जो हमें यहाँ पे अभी जो रिसेंट में जो भी बना के जो सेव किया है ना थंबनेल, इसको यहाँ से ले लेंगे, ओके करेंगे। अब थंबनेल जो अपना आ चुका है, इसको आपको हिलाना नहीं है, इसको आपको जाना रिलेटिव साइज पे, इस पर क्लिक करना है, इसकी विड्थ को पकड़ के खींच देना है इस तरीके से, इसको ओके कर देना है। अब हम करेंगे इस पर कलर ग्रेडिंग। आपको किसी भी और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है कलर ग्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम जाएंगे सिंपली कलर फिल्टर पर, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ह्यू को बढ़ा देंगे, तीन चार सेचुरेशन को बढ़ा देंगे, ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे, कंट्रास्ट को बढ़ा देंगे। देखिए ये देखिए, जो आपका जो थंबनेल था ना, जो पहले वाला थंबनेल था और जो ये वाला थंबनेल है, उसमें बहुत डिफरेंट लगेगा आपको कलर को देखने में। अभी मैं आपको कंपैरिजन करके भी दिखाऊंगी, लेकिन अभी आपको हिलाना नहीं है इसको, फिर से आपको जाना है इस पर। अरे इंटरनेट बंद कर लेते हैं वरना फिर से ऐड आ जाएगी। मैंने इंटरनेट को बंद कर दिया, तो यहाँ से हम जाएंगे फिर से इस गैलरी वाले ऑप्शन पर, सेव एज वीडियो पर जाएंगे, सॉरी सेव एज इमेज पर जाएंगे, कस्टम पर जाएंगे, अल्ट्रा पर जाएंगे, उसको फिर से सेव टू गैलरी कर देंगे। आपका जो है जो थंबनेल है फिर से आपका सेव हो जाएगा। तो अब जो आपने थंबनेल जो सेव किया है उसकी क्वालिटी देखना, और जो पहले वाला जो थंबनेल आपने बनाया उसकी क्वालिटी देखना, बहुत डिफरेंट मिलेगी आपको। जैसे थंबनेल हमारा सेव हो चुका है, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी आप जो मेरी इमेज देख रहे हैं, ये एक मिनट में आपको इमेज का कंपैरिजन दिखा देती हूँ। पहले ये देखिए, जो आपने मेरी ये वाली इमेज देखी, यहाँ पे आपको कलर दिख रहा है कितना डल डल कलर दिख रहा है मेरा फेस का, लेकिन वहीं पे जो आप ये वाली इमेज देख रहे हैं उसका जो कलर है वो ब्राइट है। अब देखिए, जो आपके फॉन्ट वगैरह दिख रहे होंगे आपको, इस फॉन्ट का जो कलर है वो देखिए कितना डल डल है, इसका जो फॉन्ट है वो देखिए कितना ब्राइट है। यहाँ तक जो थंबनेल मैंने नीचे लगाए थे वो भी कितने वाइब्रेंट हो चुके हैं इनके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अपने तो थंबनेल पे कलर ग्रेडिंग करके उसको सेव करना है। और दोबारा से आपको, अगर आपने कलर ग्रेडिंग ना किया हो, डायरेक्ट सेव कर लिया हो, तो उसको दोबारा से लेके आइए पिक्सल लाइव में, सुपर कलर ग्रेडिंग कीजिए, उसको दोबारा से सेव कीजिए, आपका जो थंबनेल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। थंबनेल मैक्सिमम आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से क्रिएटिविटी करते हैं और किस तरीके से आप फॉन्ट लिखते हैं, कौन से फॉन्ट आप यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बताइए आपको थंबनेल कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको और ट्यूटोरियल चाहिए और एडवांस लेवल पे चाहिए तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, वो भी मैं आपके लिए और फुल डिटेल में जो है ना, जितना लंबा हो सकेगा फिर मैं वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, डिटेल वीडियो बना सकती हूँ मैं, लेकिन आपको ज़्यादा समय ना लगे इसलिए मैंने स्पीड से आपको समझाने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड देखना चाहते हैं कि पूरा का पूरा मैं बताऊँ आपको, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ओके। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता के मेरा हौसला बढ़ाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।